राम राम भाई, सभी भैया ने आज वीरेंद्र भैया कैमरा खोज लिया। आज वीडियो बनाऊंगा बढ़िया, और एक कुलेंट पर बनाऊंगा वीडियो। आपका जो मोबाइल तो करवा लिया, सिंथेटिक रिगार्डिंग चल रहा है पानी, उसके विषय में आपको दिखाऊंगा जो पानी चलने से क्या हाल हो जाता है। ये हड़का अंदर के गैस रोकने का गैस किट है। ये ना कुलेंट होने की वजह से इसके हालात देखो, ये सिद्धर मुड़ गई। ये ना पानी की जगह कुलेंट ना होने की वजह से ये गैस किट इसका ख़राब हो चुका है, और इसके अंदर कॉस्टली खर्चा पड़ जाता है। इंजन ख़त्म ही समझ लो, अगर गाड़ी का हेड खुल गया ना तो 70% गाड़ी का इंजन ख़त्म हो जाता है। हेड गैसकिट की जो गैस रोकने का सिस्टम है उसका, उसके अंदर छोटे छोटे जंग होने से कहीं से सिर के बाल इतना कोई ना कोई गैस की छिद्र हो जाता है, जिससे वो गैस किट गैस लीक हो जाती है और पानी गाड़ी के अंदर रेडिएटर नहीं रुक रहा, और पानी रुकने से गाड़ी मिसिंग और स्टार्टिंग ट्रबल हो जाती है, और गाड़ी का टेम्परेचर भी हावी जाने लग जाता है। ये गैसकेट आपके पास दो तीन गैसकेट दिखाऊंगा मैं अपने, ये I20 का, ये I10 ग्रांड का है, ये दूसरी गाड़ी का है, ये I20 का। ये ना कूलेंट होने की वजह से ये गाड़ी गैसकेट खराब हो चुकी है। अगर आप गाड़ी आप फर्स्ट ओनर गाड़ी आपकी है और आपने गाड़ी चला दी 50,000 किलोमीटर, तो 50,000 किलोमीटर में कूलेंट निकाल के फेंक दो। कंपनी तो जो डाल के देती है कूलेंट, वो उसको निकाल के दोबारा आप इसके अंदर दोबारा से बढ़िया से बढ़िया रेशे का कूलेंट डलवाओ, जिसमें अच्छी कंपनी की, जिस तरह कैस्ट्रोल है, टोटल है, ये हैवी ड्यूटी के अंदर है कैस्ट्रोल का, ये हैवी ड्यूटी के अंदर है, बहुत बढ़िया कूलेंट है ये, उससे दूसरा है और ये टोटल का है। ये चीज़ें आपकी गाड़ी के 5 लाख तक इंजन को नहीं बढ़ने देती, क्योंकि मोबिल और कूलेंट और गियर वेल तीन ही गाड़ी को जिंदा रखती हैं। तीन चीज़ आप टाइम पर रखोगे चेंज तो आपकी गाड़ी का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। गियर आपका सेफ है, इंजन आपका सेफ है, गैसकिट आपका सेफ है, अगर कूलेंट आपकी गाड़ी में 50,000 के बाद चेंज करा देते हो तो कॉस्टली नहीं पड़ता। मोबिल सर्विस में अगर 2 डब्बे 3 डब्बे आप डलवा लो बढ़िया कूलेंट के, तो उसमें आपकी गाड़ी के अंदर के हॉर्स पाइप आपकी गाड़ी के हैं, वाटर बॉडी है, आपके एल्युमिनियम का जो भी पार्ट गाड़ी के अंदर ब्लॉक के अंदर इंजन के अंदर फिटिंग है उसको बिल्कुल सेफ रखने का काम करता है ये। और कहीं भी लंबा सफ़र जाओ आपको छोटा बुलबुला नहीं बनने देगा, रेस से नहीं टूटने देगा। पानी के अंदर तो गैस बन जाती है, पानी कहीं ना कहीं हवा लेगा तो उसमें रेस मतलब हवा बुलबुला बन जाता है, बुलबुला बनने से वो कहीं ना कहीं जाके आपकी गाड़ी का गैस किट को या हॉर्स पाइप को ख़राब करेगा, या कहीं ना कहीं वो एल्युमिनियम का जो भी पार्ट है बार बार उसको पट्टी करे है उसका खड्डा करेगा, वो गहरा कर देगा उसको। तो इसलिए आप कम से कम भी 3 लीटर गाड़ी के अंदर, जो भी गाड़ी आपकी 4 सिलेंडर गाड़ी है उसके अंदर 3 लीटर कूलेंट कम से कम आप डलवाओ, ताकि आपकी गाड़ी सेफ रहो। 40,000-50,000 किलोमीटर में कूलेंट निकलवा दो। ऐसे हैवी ड्यूटी का कूलेंट है, ये कैस्ट्रोल दूसरा है, टोटल का है, ये कूलेंट आप बढ़िया कूलेंट यूज़ करो, और एक्स्ट्रा बोतल है आपकी, एक्स्ट्रा बोतल के अंदर भी पानी चेक करो। और वापस सफ़र पर निकलते हो तो कम से कम आप एक्स्ट्रा बोतल के पानी की बजाय मेन जो रेडिएटर होता है आप उसका पानी चेक करो। कई कस्टमर क्या करते हैं, बाहर से सेफ्टी टैंक है 1 लीटर एक्स्ट्रा का, उसको चेक करके चल पड़ते हैं, उसका पानी तो कम नहीं हो रहा, लेकिन अंदर का जो टैंक है उसका मेन कैप खोल लो। और गाड़ी ठंडी गाड़ी में ही खोलना है, आपने गर्म गाड़ी में नहीं खोलना है। आपकी गाड़ी पूरी रात खड़ी है या आपकी गाड़ी काफ़ी घंटों से खड़ी है तो उसको गर्म कपड़ा, तो कपड़ा पानी भी हो गया गर्म होता है, वो ढक्कन उसके ऊपर लिखा होता है ढक्कन के ऊपर, भाई इसको कोई ठंडी चीज़ के साथ पानी डाल के या कपड़ा से भिगो, इसको आराम से खोल के पानी चेक करो। और आपकी गाड़ी के अंदर कूलेंट नहीं है, पानी है तो कूलेंट आप उसके अंदर डलवाओ, बहुत ज़रूरी चीज़ें मैं आपको ये बता रहा हूँ, आप इसको सीरियसली लो। अपने गाड़ी अगर रखनी है, काफ़ी टाइम तक चलाना है, उसका मेंटेनेंस बचाना है, तो ये चीज़ें आपको रूटीन में गियर ऑयल कूलेंट और इंजन की रूटीन में ये मैं आपको बातें बता रहा हूँ भाई। जितना मोबिल आपकी गाड़ी में काम करता है उससे ज़्यादा कूलेंट काम करता है। आपने सर्विस करा ली बोला मोबिल सर्विस होगी नहीं, मोबिल सर्विस का मेन मतलब है आपकी गाड़ी का कूलेंट, आपकी गाड़ी के सारे फिल्टर, आपकी गाड़ी का गियर ऑयल, आपकी गाड़ी की बेल्टा सारा चेकअप होता है, मेन सर्विस वो होती है गाड़ी। ये नहीं है भाई मोबिल डाला निकाला फिल्टर डाला चल पड़ा। आपकी गाड़ी का एयर फिल्टर का मतलब है, एयर फिल्टर आप गाड़ी का जो एयर फिल्टर बदलवाते हो तो एयर फिल्टर का सेफ्टी परपज एयर फिल्टर रोकता है टर्बो को ख़राब होने से, जो कि कॉस्ट 80-70 हज़ार के टर्बो गाड़ी के अंदर है, I20 गाड़ी के अंदर बहुत महंगे कॉस्टली टर्बो हैं। एक आपके 500-400 रुपया फिल्टर के पीछे आपका टर्बो ख़राब हो जाता है, दूसरा उसके बाद में आपका फिल्टर आ गया मोबिल का, वो तो उस रूटीन में चेंज होना ही होना है, उसके बाद में तीसरा फिल्टर आ गया आपका डीजल का। डीजल फिल्टर कई कहते हैं नहीं अभी डीजल फिल्टर सही पड़ा है, नहीं कोई दिक्कत नहीं आने,
उसको भी निकला दो, नहीं तो आपके इंजेक्टर ख़राब हो जाएंगे। आपके इंजेक्टरों में कम से कम भी 2500-30,000 के बीच में खर्चा पड़ जाता है। आप एक फिल्टर के 500 रुपये फिल्टर के पीछे आपकी गाड़ी में 30,000 रुपया नुकसान कर रहे हो। आप उस नुकसान को बचाओ। आपने कभी भी कोई सर्विस किसी भी सर्विस सेंटर पर सर्विस करानी है, मैकेनिक मना करता है तो भी आपने डीजल फिल्टर, एयर फिल्टर, मोबाइल फिल्टर और एसी फिल्टर बदलवाने ही बदलवाने हैं। आपने इनको कभी भी बचत खाते में नहीं जलाना, यह बचत आपके ज़्यादा बड़ा नुकसान करने वाली है। आगे आपको ये बहुत बड़ा नुकसान देगी। एसी फिल्टर ना डालने से आपके अंदर की कूलिंग कोयल 8-10 हज़ार रुपये की, जो कॉस्टली आपको 15,000 रुपये खर्चा पड़ेगा मैकेनिक समेत, वो ख़राब कर देती है। कोयल चौक हो जाएगी, एसी कूलिंग ख़त्म हो जाएगी, बार बार गाड़ी हीट लेना शुरू हो जाएगी। दूसरी बात, कूलेंट ना होने से भी एसी कट मारेगा और एसी में भी दिक्कत आओगी, आपके कूलिंग भी कम हो जाएगी। तीसरी बात, एयर फिल्टर, चौथी मोबिल फिल्टर और अच्छी क्वालिटी का मोबिल, जो आपकी गाड़ी लोकल चलती है, जो बार बार बंद होती है स्टार्ट होती है, वो गाड़ी के अंदर आपने हैवी ड्यूटी हैवी बढ़िया ही मोबिल डलवाना है, क्योंकि गाड़ी के पार्ट घिसते हैं ज़्यादा बाजार में, फाटक में बंद कर दिए, स्टार्ट कर दिए, बाजार में बंद कर दी, उस गाड़ी के अंदर आपने टॉप का मोबिल डलवाना जो रेशा ना टूटे। और जो गाड़ी रूटीन में यहाँ से चली जाके दिल्ली खड़ी होती है, उसमें तो नॉर्मल तेल भी चल जाता है, लेकिन जो बाजार के अंदर अप डाउन गाड़ी कर रही है उसके अंदर आपको बार बार टेम्परेचर गाड़ी ले रही है, तो कूलेंट बढ़िया हैवी ड्यूटी का और मोबिल जो रेशा ना टूटे मोबिल का, वो मोबिल नहीं तो आपकी गाड़ी का हेड का जो पार्ट है ना वो ज़्यादा घिसता है, बंद कर दिया, स्टार्ट कर दिया और मोबिल ठाती, गाड़ी बंद कर दिया, मोबिल ठाने उतारने में आपके हेड के पार्ट खराब हो जाते हैं, केम के कप सूखे हो जाते हैं, ऊपर का आटा पड़ता और साइडों के अंदर से पैकिंग जलनी शुरू हो जाती है, लीकेज शुरू हो जाती है इंजन के अंदर, वो लीकेज इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि ऊपर का पार्ट आपका मोबिल पुराना मिलने से गर्म हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, गाड़ी सफ़र पर जाओ, पूरा मेंटेनेंस करा के सर्विस कराया जाओ। गाड़ी सफ़र पर जाओ तो भी आपने 100 किलोमीटर पर गाड़ी रोकनी है, चाय पानी पीना है। अगर गाड़ी 250-300 किलोमीटर लगातार आप गाड़ी चलाते हो तो आपकी गाड़ी की इंजन की मेन सील लीक हो जाएगी, क्योंकि उसको रेस्ट ही नहीं मिला, रबड़ इतना हार्ड हो गया, वो चल चल के उसके अंदर से फिर मोबिल निकलना शुरू हो जाता है। गियर बॉक्स बीच का जॉइंट है ना, वो सिला हार्ड होने से तेल उसके अंदर से निकलना शुरू हो जाता है। रबड़ की पैकिंग जड़ जाती हैं ज़्यादा हीट होने से, गाड़ी लगातार चलने से बेल्टें सुकड़ जाती हैं, बेल्टें टूट जाती हैं। तो 100-150 किलोमीटर पर गाड़ी को रोको, चाय पानी पियो, आपकी गाड़ी टायर ठंडे हो जाएंगे, बिल्कुल आपका जो भी सस्पेंशन है और है सारी चीज़ें हम अपने फिटनेस मिलेगी, जो भी आपकी गाड़ी के ब्रेक पैड है उसको भी हवा निकलेगी, ठंडे हो जाएंगे, जो भी आपका पार्ट रबड़ का है सारा आपका ठंडा हो जाएगा। ये नहीं भी गाड़ी के ड्राइवर तो रख लिए, 3 गाड़ी मेरी है नहीं, यहाँ से सीधे गोवा तक रोकेंगे। गाड़ी को रोकना ज़रूरी है, गाड़ी के मेंटेनेंस बचाना है, तो ये चीज़ें मेरे आप ध्यान से सुनो और इस प्रक्रिया पर चलोगे तो आपकी गाड़ियाँ कुछ नहीं बिगड़ने वाला। मेन सिला लीक होगी, इंजन में लीकेज शुरू होगी, ब्रेक हार्डनेस हो गए, बार बार उसको यूज़ कर रहे हो, क्योंकि जो तवे आपके जो ब्रेक रूटर होते हैं वो डेक्चून का होता है, बार बार आप उसको लंबे सफर में बार बार उसको ठोक रहे हो, लगातार ठोक रहे हो, ब्रेकां ठोक रहे हो, तो उसमें उसके अंदर के जो या तो बैंड आना शुरू हो जाता है, फटफटाहट हो जाती है ज़्यादा हीट होने से, फिर गाड़ी के अंदर वाइब्रेशन शुरू हो जाती है, अगले ये जो आप क्लिपर हैं ना उनके अंदर पूरे हीटिंग होने से आपके ब्रेक लेव गाड़ी पूरी थर थर कामने लग जाती है। तो ये रूटीन की चीज़ें हैं, तो ये रूटीन में आप करते रहोगे तो इनसे आपको मेंटेनेंस जीरो मिलेगा। आप नहीं करोगे तो गाड़ी हो जाए कबाड़, तो उसके पीछे फिर आप रोज़ मार्केट में खड़े रहना, रोज़ आपका सामान चेंज कराते रहना, जो ओरिजिनल सामान था आपने ख़त्म कर लिया उसमें हाथ हो जाना, फिर बेकार जाओ आपका सामान। रिंग प्लग है, स्पार्क प्लग है, कोई वायरिंग है, लाइटा है, रात को सफ़र में चलते हैं लसाला सर से चले भाई सीधे सारा के रुकेंगे तो 10 मिनट तो लाइटों को भी आराम मिलो, वायरिंग भी ठंडी हो जाएगी, थोड़ा बहुत फ्रेश साल चीज़ को देना चाहिए। तो ये प्रक्रिया है, इसी प्रक्रिया से गाड़ी चलाओगे तो आपको कुछ नहीं होना। और आपने ज़्यादा जानकारी लेनी है तो मेरा फ़ोन 24 घंटे खुला रहता है, 98-127-11-554 मेरा मोबाइल नंबर है, नई पुलिस लाइन हिसार रोड हिसार बाईपास में मेरी वर्कशॉप है। आप किसी टाइम भी किसी भी जानकारी के लिए फ़ोन कर सकते हो, हम आपके लिए 24 घंटे तैयार हैं। और राठी भाई अंधेरा करो, आपसे रिक्वेस्ट है, बड़े ईद का चांद हो गया तुम, ये ईद वाला दिन दिखा है तुम भी है, आज बड़ा विश्वकर्मा दिन का दिन है, आज बड़ी खुशी का दिन है, तुम बहुत बढ़िया आ गया हमारे विश्वकर्मा, बस भी आराम से ठंड भी होगी। अरे जीरेपुर में ऐसा रहने लगा चंडीगढ़ भाई, तुम चंडीगढ़ मैं तो अरे दे तो मन भी जाता तेरे, मेरे दिन माड़े मैं नहीं गया। 98-127-11-554 मोबाइल नंबर है ओके। और न्यू पुलिस लाइन सिसार रोड बाईपास में, बाय बाय।